पे दूसरी सरकार थी उसका शासन था, तो जब भी महिलाओं के साथ में दुष्कर्म की शिकायतें आई थी तो ये सरकार कहती थी कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, इनको न्याय दिलाएंगे ये करेंगे। लेकिन अभी जहाँ पर सीकर की तामीनी जो सीकर की तामीनी जो पिछले 18 महीनों से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाजरत है, यहाँ पे जेके रोन में भी उसका इलाज हुआ लेकिन यहाँ के जेके रोन में उसका अंतिम ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो वो अभी वहाँ पर है। उसी दौरान वसुंधरा राजे खुद स्वयं वहाँ पे पहुंची थी जेके रोन में फलों की टोकरी लेकर और कहा था कि मेरी सरकार आने के बाद में मैं तुम्हें उच्च स्तरीय इलाज की व्यवस्था करवाऊंगी। उनकी सरकार भी आ गई लेकिन वसुंधरा जी के कान पे चोरी नहीं रेंग रही अभी तक। दूसरे अभी सीकर जिले में एक नीम का थाना तहसील है उसी में पाटन थाने में 11 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। सरकार को पता है, बीजेपी के कुछ लीडर है उनके बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व है, उस केस में उस दुष्कर्म में मामले में वो इन्वॉल्व है और बीजेपी के जो लीडर है वो बचाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को और एक नाबालिग बच्चे के ऊपर वो सारा केस थोपने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ की पुलिस भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई है इस केस में और अभी तक भी कोई भी ये नहीं है कि यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं सरकार के उनका कोई व्यक्तिवे आया हो उस मामले में कि भाई हम लोग नीम का थाना जो गैंगरेप हुआ है अभी रिसेंटली हुआ है उसमें हम क्या कार्रवाई करने वाले हैं। पूरी सरकार भरतपुर संभाग में चली गई है लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, दूसरे संभागों की जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। कोई दुष्कर्म दिन प्रतिदिन आगे की दिन प्रतिदिन जो रेशियो है ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है राजस्थान का। पहले कहते थे कि हम लोग ये न्याय दिलाएंगे पहलों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सरकार है वो अपनी गहरी नींद में सोने जा रही है। सिर्फ उसका जो मिशन है वो है कि 25 सीटें राजस्थान से बीजेपी की जीत के जाए, उसके बाद में ये हम लोग मनमाफिक तानाशाही जो भी फांसीवाद है वो उस तरीके से हम शासन करें। जय हिंद।